ये रेसिपी की शुरुआत हम ब्रेड पे बटर लगा के करेंगे। मैं वन साइड बटर अप्लाई कर रही हूँ और ये अप्लाई करने के बाद मैं ये सब स्लाइसेस को टोस्ट कर लूँगी। मैंने ये ब्रेड स्लाइसेस को ओनली वन साइड टोस्ट किया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक ब्रेड बना रहे हैं सो ऑब्वियसली गार्लिक की ज़रूरत करेगी। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 9 to 10 गार्लिक क्लोव्स लिए हुए हैं, इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। चिलीज लेंगे, मैंने चिलीज को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है बिकॉज मुझे चिली फ्लेक्स चाहिए। गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें गार्लिक बटर की ज़रूरत करेगी। गार्लिक बटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून बटर ले रही हूँ जिसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। बटर मेल्ट होने तक, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड गार्लिक। जब तक गार्लिक का स्मेल आना शुरू ना हो जाए आप उसे कुक करेंगे, ये भी विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। सारी चीज़ें असेंबल करेंगे। ये मैंने ब्रेड जो वन साइड टोस्ट की हुई थी, अब मैं टोस्टेड साइड ही गार्लिक बटर अप्लाई कर रही हूँ। आपको जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए गार्लिक का आप उतना बटर अप्लाई कर सकते हैं। गार्लिक बटर अप्लाई करने के बाद हम ये स्लाइसेस पे चीज़ ग्रेट कर लेंगे। अगेन इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जितना पसंद है उतना आप ग्रेट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये हमने जो चिली फ्लेक्स बनाया है हम उसे स्प्रिंकल कर देंगे। अगेन आपको जितना तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे। ये सेम पैन यूज़ कर रही हूँ जिसपे मैंने ब्रेड टोस्ट किए थे। पहले मैंने बटर अप्लाई कर दिया है, अब ये बटर के ऊपर मैं ब्रेड स्लाइस रख दूँगी। एक टाइम में आप जितने स्लाइसेस एडजस्ट कर पाते हैं पैन पे आप रख दीजिएगा और इसे हम अभी ढक के कुक करेंगे। मैंने इसे 3 मिनट ढक के पकाया है एंड 3 मिनट के बाद हमारे चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुके हैं। मैं बाकी की स्लाइसेस को भी टोस्ट कर रही हूँ। आवर चीज़ी गार्लिक ब्रेड इज रेडी। ये जो 3 स्लाइसेस है इसे मैंने 3 मिनट के लिए टोस्ट किए हैं, ये कुछ ऐसे दिखेंगे 3 मिनट के बाद। और ये जो 3 स्लाइसेस है इसे मैंने 2 मिनट के लिए टोस्ट किए हैं। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं।